हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अमित गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा फेस वॉश के बारे में जो आपके सारे स्किन इश्यूज से फाइट करेगा। सिर्फ एक फेस वॉश और आपके सारे स्किन इश्यूज खत्म। गाइस, ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, ल्यूकवार्म का ग्लूटाथियोन फेस वॉश, जो कि आपको स्किन में जो टैनिंग वैनिंग आ रही है, अनइवन स्किन टोन है, अनइवन स्किन टेक्सचर है, आपको एक्ने प्रोन स्किन है, स्किन ड्राई हो रही है, स्किन ऑयली हो रही है, हर चीज में एक काम करेगा। किस तरीके से काम करेगा, सही में काम करता है कि नहीं करता, हम एक टेस्ट लगा के भी देखेंगे कि ये कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम जाने कि फेस वॉश हमें क्यों लगाना चाहिए। फेस वॉश एक सबसे बेसिक स्टेप होता है स्किन की केयर के लिए, तो हमें कौन सा फेस वॉश चूज करना चाहिए। तो फेस वॉश ऐसा चूज करें कि जो आपके स्किन की डर्ट पॉल्यूशन, जो से जो गंदगी जम जाती है और सीबम जो क्रिएट होता है, लाइक आपने बहुत सारे बच्चों में देखा होगा, जब वो 18-20 साल के होते हैं, प्यूबर्टी एज होती है, तो उनके बहुत सारे एक्ने हो रहे होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है एक्ने होने का? तो जब हम प्यूबर्टी एज में हो जाते हैं लोग, तो उनकी बॉडी में फीमेल में ईस्ट्रोजन का लेवल और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है, जिसको कहते हैं जैसे एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है तो हमारे सीबम लाइक सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं। अब जब ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस होता है, लाइक स्किन में ऑयली स्किन दिखने लगती है, सीबम बनने लगता है, तो वो जब हम पॉल्यूशन में जाते हैं, डस्ट में जाते हैं, धूल मिट्टी में जाते हैं, तो वो पोर्स को क्लॉक कर देता है, मतलब पोर्स क्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे पी एक्ने बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं। तो वो तो एक्ने ग्रो होने का एक जरिया बन जाता है वहाँ पे। तो गाइज, हम जो फेस वॉश यूज़ करते हैं वो हमारी स्किन को, स्किन से ऑयल को भी रिमूव करता है, सीबम को भी रेगुलेट करता है और स्किन की डेड लेयर को भी रिमूव करता है, क्योंकि इसमें जो आहा और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का कॉम्बिनेशन है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं स्किन के, तो वहाँ पे वो पीलिंग करते हैं, डेड लेयर को रिमूव करते हैं, तो उसमें जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का जो कॉम्बिनेशन दिया है वो स्लोली आपकी डेड लेयर को रिमूव करता रहता है, तो आपके वहाँ पे एक्टिविटी नहीं होती और फेस में शाइनिंग बनी रहती है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड आपको स्किन एजिंग में वर्क करता है, स्किन में शाइनिंग देता है, वहीं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है वो एक्ने से फाइट करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने को रोकता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है एक्ने के लाल लाल निशान पड़ जाते हैं उसको भी खत्म करता है। तो इसमें ग्लूटाथियोन भी है, विच इज गिव अगेन स्किन लाइटिंग एजेंट, जो आपको टैनिंग है, अनइवन स्किन टेक्सचर है, आपको ग्लो है वो प्रोवाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बट उसके पहले हम एक टेस्ट लगाते हैं। तो गाइज, मैंने 2 ग्लास में लिया है पानी, तो मैं आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये डस्ट को और ऑयल को ख़त्म करता है। तो मैं एक साइड में डाल रहा हूँ ये फेस वॉश एक पानी में, ठीक है, और एक हम प्लेन वाटर ले रहे हैं और मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छा, तो इसमें मैंने ये लिया है फेस वॉश और ये प्लेन पानी है, हम दोनों में ऑयल डाल के देखेंगे। गाइस, आपको पता है कि ऑयल पानी में नहीं घुलता है, बट जब हम फेस वॉश चेहरे पे लगाते हैं, हमारे स्किन में ऑयल होता है, तो वो किस तरीके से, देखो हमने इसमें डाला है तो ये तैर रहा है, बट जब हम इसमें डालेंगे तो उसने पूरा ऑयल को डिसॉल्व कर दिया है। यू कैन सी ऑयल पूरा डिसॉल्व हो चुका है, इसमें ऑयल स्टिल तैर रहा है ऊपर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो फेस वॉश है, ल्यूकवार्म का फेस वॉश है, ये आपकी स्किन में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, वहाँ पर जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व करके रिमूव कर देगा। जब ऑयल रिमूव हो जाएगा और साथ ही साथ जो गंदगी है चेहरे में, पोर्स में गंदगी जमा हो जाती है, वो भी रिमूव हो जाएगी, तब आपकी स्किन सांस ले पाएगी और बहुत ही अच्छे से वहाँ पे गंदगी रिमूव होने के बाद आपकी स्किन में ग्लोइंग इफेक्ट जो आता है वो बहुत अच्छा आएगा, बिकॉज में ग्लूटाथियोन भी है, AHA, BHA का कॉम्बिनेशन है और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग करने में काम करेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से ये इसने पूरा ऑयल को डिसॉल्व कर दिया और ये नॉर्मली इसमें पानी में ऑयल तैर रहा है। इसके साथ आपको करना क्या है, अप्लाई करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसको लेना है फेस में, पाम में, और इसको अप्लाई करके इसको राउंड फिगर से, मतलब आपको ऐसे लेके राउंड करके इसको अप्लाई करके वॉश आउट करना है। एटलीस्ट इसको 2 से 3 मिनट अप्लाई करके रखिएगा, ताकि वहाँ पे वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो वर्क कर पाए, लाइक जो इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, वो डेड लेयर को रिमूव कर सकें, इसमें जो ग्लूटाथियोन है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब हो सके और जो बाकी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो भी एब्जॉर्ब होके रिजल्ट दे पाए और साथ ही साथ डस्ट भी निकल जाए। ऐसे नहीं अपने लगाया, अप्लाई ऐसे कर करा और 2-3, 20-30 सेकंड में साफ कर दिया, इसको 1-2 मिनट लगा कर रखें, रिजल्ट आपको अल्टीमेट मिलेगा। इसके बाद वॉश करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ल्यूकवार्म की सनस्क्रीन SPF 50, दिस इज अ वेरी गुड सनस्क्रीन, इसको अप्लाई कीजिए, जिसमें आपको ब्लू रेज लाइट से भी इफेक्ट बचाएगा। इसमें PA++++ है और SPF भी, ये आपको UV
यूवी ए एंड यूवी बी दोनों से बचाएगा। तो गाइज ये मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। गाइज इसको प्लीज फॉलो कीजिए, अगर आपको हेल्दी स्किन चाहिए, आपको स्किन से प्यार है तो प्लीज गाइज इसको फॉलो जरूर कीजिए। ये आपको बहुत ही अच्छी हेल्दी स्किन देगा और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि आपने आज लगाया और बिल्कुल रिजल्ट आपको चमकदार मिल जाएगा, बट यस आप जब इसको रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन इशूज होंगे ही नहीं। तो गाइज मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद गुप्ता, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा और मैं आपका वेट करूंगा। और प्लीज इसको जरूर यूज कीजिएगा, अपने डेली रूटीन में डाल दीजिए। बाय।